मतभेद इस बात का नहीं होना चाहिए कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। जो समाज की बात करेगा उसे नेता माना जाएगा। हम आपको लिख के देते हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये सबके पहुंच होंगे, सबसे माफी मांगेंगे। आज पूरे देश में अंबेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। अंबेडकर ने जो काम किया उस काम को हर एक नेता आम जनता के बीच में मैसेज के तौर पर भेज रहा है। लेकिन जब भी अंबेडकर जयंती मनाया जाता है तो बिहार खास हो जाता है। बात की जाए तो दो गुट बना लोजपा का, और दोनों गुट आज अंबेडकर जयंती के मौके पर अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है। जहां एक तरफ लोजपा रामविलास की कमान चिराग पासवान के हाथ में है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोजपा की कमान उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के। आज जब दोनों ही दलों ने अंबेडकर जयंती मनाया तो एक दूसरे पर कस के निशाना भी साधा। बात की जाए तो चिराग पासवान आज जब अंबेडकर जयंती के लिए तैयारी कर रहे थे, पहुंच रहे थे, तो कुछ लोगों ने चिराग पासवान मुख्यमंत्री के तौर पर नारा लगा दिया। लोगों ने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। इससे जुड़ा जब सवाल राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज से पूछा गया तो प्रिंस राज ने चिराग पासवान के ऊपर करारा हमला कर दिया। चिराग पासवान पर हमला करते हुए प्रिंस राज ने कहा कि व्यक्ति वो बलवान नहीं होता जो खुद के लिए सोचे, जो समाज के लिए सोचता है, समाज के लिए जीता और मरता है, वो व्यक्ति बलवान होता है। इसके साथ ही प्रिंस राज ने कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे चिराग पासवान हर एक व्यक्ति का पैर छुएंगे। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान पर प्रिंस राज ने, आप उनका ये पूरा बयान सुनिए। कौन पिछड़ों की बात करता है, कौन हमारी बात करता है, कौन देश को आगे बढ़ाने की काम करता है, तो हमें अपने नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी पे पूरा विश्वास है। हमारे एक एक कार्यकर्ता को पूरा विश्वास है कि जो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके जो आदर्श थे, उनके जो मार्गदर्शन थे, उनको आगे बढ़ाएंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और बिहार की जनता, पूरे देश की जनता, जो गरीब पिछड़ी दलित जो है उनको आगे बढ़ाने का, उनको हिम्मत देने का हम लोग काम करेंगे। आज मैं सभा में आए सभी अपने नेतागण, अपने साथियों, अपने पदाधिकारियों, जिला के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी बिहार के तमाम विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अध्यक्षों का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने यह कार्यक्रम को सफल बनाया। और आपको हम पुनः, आप प्रेस मीडिया के साथ ही, प्रिंट मीडिया के साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथ ही यहाँ पे आए, आप सभी को हम धन्यवाद देंगे कि आप इतनी संख्या में यहाँ आए। आपको देख के लग रहा है तो 200-300 तो आप ही मीडिया साथ ही यहाँ उपस्थित हैं, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। लेकिन विचारों में हमेशा हमारा ये रहेगा। देखिए, व्यक्ति व्यक्ति बलवान, व्यक्ति बलवान नहीं होता है, ये बात आप समझिए। ये एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये समाज की बात है। जो समाज की बात करेगा उसे नेता माना जाएगा। यहाँ पर मतभेद इस बात का नहीं होना चाहिए कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। आप कार्य करिए, आप किस बात का मतभेद रख रहे हैं ये बिहार की जनता समझ चुकी है। आप किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। मतभेद रखते हैं आप, यहाँ पे पहुंच चुके हैं, आपको भी ये पता चल चुका है। देखिएगा, हम आपको लिख के देते हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये सबके पहुंच होंगे, सबसे माफी मांगेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रिंस राज ने एक करारा हमला किया है। प्रिंस राज ने कहा कि चाचा के पैर छूने की क्या बात करते हैं चिराग पासवान, जब चुनाव नजदीक आएगा तो चिराग पासवान हर एक व्यक्ति का पैर छुएंगे। देखने वाली बात होगी कि इस बड़े हमले के बाद अब किस तरीके से लोजपा रामविलास और उनके पार्टी के लोग पशुपति कुमार और प्रिंस राज के ऊपर बयान देते हैं। भारत के कानून के जो रचयिता हैं, जो निर्माणकर्ता हैं, उनका 14 तारीख को जन्मदिवस जयंती जो कहा जाता है उसको मनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से वन व्हीलर रोड में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती मनाया जा रहा है। मैं बिहार के तमाम वासियों को, दलित भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, सभी से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक हजारों की हजार संख्या में आएँ और इस बाबा साहब अम्बेडकर साहब के प्रति आभार प्रकट करें। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे,
दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।